गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग आप सभी। तो मेरा नाम दिवाकर दत्त है और आप देख रहे हैं दिवाकर दत्त ब्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम फ्री है। जितना भी वीडियो देखा है यूट्यूब में वो सब कंटेंट था। कई बार कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे टाइप का कुछ ना कुछ कॉन्टेंट था। तो ये वाला कॉन्टेंट अलग होगा। अलग मतलब आज का कुछ ऐसा प्रोग्राम है नहीं, आज का कॉन्टेंट है मेरे लाइफ के ऊपर। मतलब देखिए, मैं MR में जॉब कर रहा हूँ तो हफ्ते में 6 दिन मेरा काम ही काम रहता है, बाकी रहता है फ्री होता हूँ 1 दिन, वो है संडे। तो संडे को जी भर के जीने का दिन करता है। तो आज इसी के ऊपर एक वीडियो होगा मेरे लाइफ के ऊपर। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए, और प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए, आधा नहीं लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने से कुछ होगा। इसलिए क्या होगा मैं बाद में बोलूँगा, अभी नहीं। तो ठीक है, अभी तो पहले कुछ काम है, जैसे कि पहले मेरा बाइक FZS को धुलाना है। बहुत ही गंदा हो चुका है, 6 दिनों में बारिश भी गिरा था इसीलिए पूरा गंदा गंदा होकर रखा है। तो अभी उसे पहले धुलाना है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अभी पहले तो निकलते हैं उससे। वही यही ऑब्जेक्ट घर के अंदर गंदा, देखिए गंदा क्या इतना हो गया है, धुलवाना पड़ेगा पूरा। बाहर आ चुका है अपना बाइक और वहाँ में ओनम अपना बाइक धुला रहा है और मैं यहाँ पे। ओके, या मैं FZ धुल के सूख गया अभी, लेकिन सूखने के बाद भी ना कुछ कुछ ऐसा ऐसा दाग रह जाता है, कुछ करना पड़ेगा। और अभी मैं भी रेडी हूँ मोटर ब्लॉक का सेट लेके, थोड़ा मोटर ब्लॉक कर दूँ सोचा हूँ। ऐसे बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं आगे, पता नहीं, कुछ ऐसे कुछ प्लानिंग है नहीं इसलिए। तो फाइनली बहुत दिनों बाद आज मोटो ब्लॉगिंग होने जा रहा है स्टार्ट। इस ब्लूटूथ का एक ही प्रॉब्लम है, 1 2 3 4, कभी कभी ऐसे करने से होता भी नहीं, फिर से बंद करके ऑन करना पड़ता है। तो बहुत दिनों बाद रंगापाड़ा में फिर से मोटो ब्लॉग गिंग। आज जैसे कि संडे था ना, मैं घर में ही था तो मैंने सोचा क्यों ना जाके थोड़ा एक मोटो ब्लॉगिंग करते, क्योंकि ना मोटो ब्लॉग करने से आपके साथ बातचीत हो पाता है मेरा, आप लोगों के साथ, तो इसलिए। और बाकी वेदर भी काफ़ी बढ़िया है, 4-5 दिन पहले तो बारिश बारिश था, 2-3 दिन इतना ठंड गिरा था, मतलब 4-5 दिन पहले, लेकिन अभी ठीक है। अभी का वेदर आप अगर देखें तो ऐसे करके कितना बढ़िया वेदर है। तो अभी चलते हैं इस तरफ से सीधा ठाकुरबाड़ी की ओर, वहाँ पर जाके अच्छा लगता है, फील्ड है, खाली फील्ड है, बैठ कर अच्छा लगता है। बहुत सालों बाद ये वाला रोड ठीक हो रहा है, ये वाला मतलब इतना साइड, क्योंकि मिडिल के इतना दिन बहुत ही खराब था। नमस्कार, ये मोबाइल लगाने से ना हेलमेट इतना भारी हो जाता है, क्या ही बताऊं मैं, बहुत भारी हो जाता है हेलमेट, तकलीफ होता है इतना यार। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक GoPro लेने का, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा, मतलब मेरे जैसे लड़के के लिए बहुत सारा पैसा होता है, ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि GoPro का दाम मिनिमम 40,000 के आसपास ही होता है, ऊपर नीचे लगभग, तो वही हिसाब से तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक GoPro लूँ बोल के, और मैं कुछ सेविंग्स कर रहा हूँ, लेकिन सेविंग्स होता ही नहीं है, जितना भी सेविंग्स करने का कोशिश करूँ मैं, लेकिन सेविंग्स होता ही नहीं है। तो क्या करूँ, कुछ आपके पास अगर सजेशन है तो कमेंट में बोलिए, मैं वही ट्राई करूँगा, सेविंग्स होता ही नहीं है। और वैसे आते आते पहुँच चुके, ये रहा ठाकुरबाड़ी फील्ड इस तरफ, आते पहुँच चुके हैं ये ठाकुरबाड़ी। और ठाकुरबाड़ी देखिए 1924 में हुआ है और अभी है 2023, मतलब पूरा 100 साल पूरा होने वाला है और 1 साल के बाद। ठाकुरबाड़ी
अभी खाली खाली है, मॉर्निंग वॉक पे लोग यहाँ में आते हैं, इवनिंग वॉक पे आते हैं यहाँ में, तो अभी ऐसे तो कुछ है नहीं, कोई है नहीं, और कपल तो अलाउ है नहीं बिल्कुल। पहले तो ये सब नहीं था, बम्बू से दिया हुआ, लेकिन अभी है पूरा। नहीं तो पहले तो यहाँ से बाइक लेकर जाओ, वहाँ से लेकर जाओ, जहाँ से मर्जी वहाँ से आप ले जा सकते थे, लेकिन अभी है ही नहीं एकदम। तो बात कुछ ऐसा है यार, साइकिल देख के ना मुझे भी साइकिल चलाने का मन तो बहुत करता है, साइकिलिंग करने का। और अभी मुझे एक जगह चाहिए जहाँ मैं बैठकर मैं थोड़ा बहुत एक वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना है, वो वीडियो इस वीडियो से पहले आएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक रहेगा। ठाकुर दिखे नहीं, ये ऐसे पूरा ड्रेन बना दिया, मतलब बाइक लेकर जा ही नहीं सकते इस तरफ से, अंदर जाऊं तो जाऊं कहाँ, कैसे 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 इस तरफ से जाने का है। मैं यहाँ में जाके एक वीडियो बनाता हूँ अभी, तो इसीलिए हमें यहाँ से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी ड्रेन बना दिया है। पहले ऐसा नहीं था, बचपन से लेकर बड़ा होने तक ये सब है ही नहीं, था ही नहीं, मतलब 100 साल होने वाला है, तो इसलिए शायद कर दिया ऐसे पूरा अब सिस्टम। या बनी यहाँ पे वीडियो बनाने से क्या होगा, रास्ते से जितना भी गाड़ी जाएगा ना तो उसका साउंड आएगा, तो मुझे एक शांत वाला प्लेस चाहिए, और वो मुझे वहाँ पर मिल गया। ये एक जिंदगी काफी नहीं है, ये वाला प्लेस चाहिए था, मतलब ऐसे वाला प्लेस चाहिए था जो मुझे यहाँ में मिला। तो यहाँ मैं अभी अपने FZS को न्यूट्रल में डाल के, न्यूट्रल करने में ही न्यूट्रल हो गया, तो ये बंद हो जा, ये चाबी यहाँ पे रहने ही बेटर है, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं रख दूंगा, पता नहीं। तो ये रहा FZS, ये रहा ठाकुर बाड़ी अपना। यहाँ पर एक वीडियो शूट करना है, मतलब कुछ बोलना है मेरे बारे में, तो वो वीडियो आएगा इस वीडियो से पहले, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक रहेगा, अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो, मतलब आप लोग तो पहले हो जाएगा इससे पहले, तो पहले शूट कर लेते, उसके बाद फिर टाउन की ओर चलते इस तरफ से, ओके। और मैं यहाँ अकेला ही हूँ, कोई है नहीं, मेरा जितना भी वीडियो था रिकॉर्ड हो गया, जितना मतलब दो वीडियो था रिकॉर्ड करना था वो हो गया, एक अपलोड हो भी गया, और अभी मैं चलता हूँ घर की ओर। लेकिन यहाँ मैं बैठे जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था ना, एक सेकंड कहाँ चला गया, कोई पतंग उड़ा रहा था यहाँ से, मैंने सोचा जाके उड़ाता हूँ, लेकिन कहाँ है पतंग, है नहीं। बहुत दिनों बाद देखा, पहले बचपन के टाइम में तो इतना सारा मैं पतंग उड़ाया करता था, लेकिन अभी तो होता ही नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, फिर उस तरफ जाके देखता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद घर चलते हैं, ओके। तो यह मैं भाई मिल चुका है जो पतंग उड़ा रहा है, तो भाई थैंक यू, बहुत दिनों बाद, अभी कैमरा तो ठीक है, यस यस। बचपन में मतलब ऐसे हम लोग भी खेला करते थे, ऐसे दूसरे हम लोगों का अभी भी है, लेकिन सब बड़ा हो गया, काम में है। अच्छा कहाँ है पतंग का, है कहाँ, दिखाई तो नहीं दे रहा, उधर है, ये जा रहा है। बहुत थैंक यू आपको। नाम क्या है? सुप्रिया मोहम्मद। तुम लोग का नाम क्या है? संजू कुमार। हाँ देव भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद पतंग उड़ा के ना, ठीक है। और अभी एक जगह इनवाइट है, वही जा रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा है। और ये कुएबे टी शर्ट का जो वीडियो है सबसे ज्यादा मेरा वायरल हुआ है, 11K पहुंच चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलते हैं अभी, हाय कहो, हाय हाय कहो, एक मिनट, नाम पूरा नाम टको,
শুভ মদাস মদাস ঠিক আছে ইউটিউবে দেখবি হবো আমি তো পাঠাই দিই হবো তো মোবাইলে দেখবি ওকে কুচ রাঙ্গাপাড়া ওয়ার্ড নম্বর এক বিবেকানন্দ পল্লী ইয়ামে জগন্নাথ মন্দির ওকে जो स्टेट बैंक है स्टेट बैंक के सामने से एक गली है गली का गली से आने से आपको रेल लाइन मिलेगा रेल लाइन पार होने के बाद ए रोड मिलेगा ए रोड से आने के बाद यहाँ से आके आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ में जगन्नाथ मंदिर रंगापर में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है शायद अभी चलते हैं फिर उसके बाद बोल रहा हूँ क्या होगा वो डायरेक्ट आके घर में था वीडियो एडिट किया फिर अपलोड अभी होगा और अभी सोने का टाइम है तो सो जाता हूँ फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा कुछ गया नहीं संडे का दिन कुछ ऐसा ही था मेरा आई होप आपको संडे का दिन देख के बहुत ही अच्छा लगा लेकिन संडे का दिन आपको फ्राइडे में देखने को मिल रहा है और आज है फ्राइडे ओके बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी है ओके बाय बाय प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओके फाइनली बहुत दिनों बाद आज मोटो बोलेंगे तो फाइनली बहुत दिन चलो ठीक है तो फाइनली बहुत दिनों बाद आज मोटो बोले